उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएसओ। और आज आपके सामने मैं 19 सितंबर का टुडे जे कर आया हूँ। इस टुडे जे के मैंने बिहार दरोगा और एनटीपीसी दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर मैं आया हूँ, ताकि आपका एक टुडे जे के से दोनों एग्जाम आसानी से निकल सके। जो व्यूवर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले 22 टुडे जे के इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वो हमारे चैनल के पेज पर जाएं और उन तमाम 22 टुडे जीके को देख लें, उसे कॉपी में लिख लें, ताकि उनका भी सभी बच्चों की तरह आसानी से एग्ज़ाम निकल सके और उन्हें जीएस के बारे में सोचना ना पड़े। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं आज का टुडे जीके का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण था वो चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल वंश के शासक थे, उन्होंने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी अपनी कक्षा में किस गति में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी कक्षा पर जो है वो पश्चिम से पूर्व गति में दिशा में घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं, अंग्रेजों ने मद्रास में एक किला का निर्माण किस वर्ष करवाया था? तो अंग्रेजों ने इस किले का निर्माण सन 1640 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, एमा किसकी कृति है या किसकी रचना है? तो एमा जो है वो जेन ऑस्टिन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है सर्विस क्षेत्र, इसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो वर्मी कल्चर में मुख्य रूप से जो हमारे केचुए होते हैं, वर्म, उसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो इसके लिए मिनिमम एज जो होती है वो होती है 21 वर्ष, और वही अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो होती है 18 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? तो आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश ने की थी। इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, डेविड कॉपरफील्ड की रचना किसने की थी? किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो चार्ल्स डिकेंस की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु परिवर्तित होता है? तो पृथ्वी जब प्रकीर्णन करती है तब जाकर के हमारे ऋतुएँ परिवर्तित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, महमूद गवाम किसके शासनकाल में अधिकांश प्रभावी रहा? तो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो था ये महमूद तृतीय के कार्यकाल में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिजर्टेड विलेज के लेखक कौन हैं? तो डिजर्टेड विलेज के जो लेखक हैं वो हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कौन सा संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो ये है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हसन निजामी एवं फक ए मुदीर किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुतुब मीनार के जो नींव रखी गई थी वो कितने तल्ले का था, यानी कितने उस पर फ्लोर थे। नेक्स्ट, नगर पालिका सदस्य की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो नगर पालिका की जो न्यूनतम सदस्य होती है वो होती है 10। अगर 10 के नीचे रहती है तो नगर पालिका भंग हो जाती है और फिर से चुनाव होते हैं। नेक्स्ट, जहांगीर के मृत्यु के बाद नूरजहाँ ने किसे मुगल शासक घोषित किया था? तो नूरजहाँ ने जहांगीर के मृत्यु बनने के बाद शहरयार को मुगल शासक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रॉबिन्स क्रूसो की रचना किसने की थी? रॉबिन्स क्रूसो की रचना किसने की थी, आप इसे बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, इसकी रचना किसने की थी। रॉबिन्स क्रूसो बहुत ही फेमस एक तरह की रचना है, और अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में कि इसकी रचना किसने की थी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना फिर मैं इसका आंसर आपको कमेंट में दूंगा। दोस्तों, ये रहा इसका 20 टुडे जीके, और इस 20 टुडे जीके का आंसर मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने एग्ज़ाम में इन तमाम 20 क्वेश्चन से अपने बिहार दरोगा और रेलवे एनटीपीसी को क्लियर कर सकिए। और इस
20 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं, तो इस क्वेश्चंस को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के लिंक उन्हें शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनका भी भला आपके साथ हो सके। तो आज के लिए काफ़ी है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।